आज की बड़ी खबर है, दिल्ली में साहब रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर महाभारत छिड़ गई थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई कौन? देखिए, भारत की अमर वीरांगना, राष्ट्रीय गौरव, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण, स्वतंत्रता सेनानी, वीरता की मूर्ति। फिर भी दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने पर महाभारत छिड़ गई है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है ना, वो अगर हम तस्वीरें दिखाएं, शाही ईदगाह के पास एक पार्क की उस जमीन को लेकर है जिस पर वक्फ ने अपना दावा ठोका था। वक्फ ने कहा यह हमारी जमीन है। हालांकि हाई कोर्ट ने वक्फ का दावा खारिज करते हुए उसे उस जमीन को डीडीए की जमीन घोषित कर दिया। मूर्ति लगनी थी, बवाल हो गया। देश के लिए मरने मिटने वाली शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां ऐसी कोई जमीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, जमीन का प्रपोजल डीडीए से मांगने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, डीडीए ने लैंड दी, उसके बाद उसको लगाने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, तो फिर इसमें बीजेपी या बाकी लोग कहाँ से आ गए? ये भी शाही ईदगाह का हिस्सा है जो कि वक्त का एक हिस्सा है, लेकिन कि यहाँ पर डीडीए आज अपना मालिकाना हक जमा रही है तो ये बिल्कुल गलत है। 200-250 साल पुरानी ये ईदगाहें जब तक तो आई नहीं कोई, अब ये नया मुद्दा आ रहा है। हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं एंड हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से कोई विरोध नहीं है, वो हमारे देश की रानी थी, हम उनके सपोर्ट में हैं। मतलब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सिर्फ एक कविता की पंक्तियां नहीं है साहब, बल्कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की झलक है। ये उस वीरांगना के लिए कही गई कविता है जो सिर्फ 23 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए वीर गति को प्राप्त हुई, जो शौर्य बलिदान एवं देशभक्ति की मूर्ति है। लेकिन अफसोस, देखिए पुलिस की कितनी तैनाती करनी पड़ी। अफसोस सोचिए यह है कि जिस महान क्रांतिकारी के आगे पूरा देश सर झुकाता है, उस लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लगाने को लेकर दिल्ली में विवाद हो गया, महाभारत हो गए साहब जैसे। कितनी पुलिस तैनात करनी पड़ी, कोई व्हाट्सएप पर भड़काऊ मैसेज आया, क्या आया, लोग वहां पर पहुंच गए, विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ, फिर देखिए पुलिस की तैनाती, सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती करनी पड़ी। खबर समझिए, कल दिल्ली में शाही ईदगाह के पास एक पार्क है। आराम से समझिएगा, मैं समझाऊंगा। दिल्ली शाही ईदगाह, उसके पास एक पार्क है, उस पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के खिलाफ प्रदर्शन हो गए। हालात माहौल खराब करने वाला प्रदर्शन, मतलब हालात बिगड़ने की स्थिति आ गई। जो लक्ष्मीबाई खुद देशभक्ति की मूर्ति है, उनकी मूर्ति लगाने के खिलाफ भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी नारेबाजी हुई जिससे तनाव भड़क सकता था। कुछ भड़काऊ मैसेज ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया पर कुछ वायरल किए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया, वहां पर पहुंचिए, जुमे की नमाज, वो सारी चीजें। स्थिति ऐसी हो गई कि जहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जानी है वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, मूर्ति नहीं लगाने दी गई, ताकि ये देखिए आप तस्वीरें, ताकि हालात ना बिगड़े, इतनी पुलिस बल की वहां पर तैनाती करनी पड़ी। पुलिस को कहना पड़ा साहब कि शाही ईदगाह के पास पार्क में किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। शाही ईदगाह के पास एक पार्क है, वहां रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी थी। क्यों लगनी थी, किस लिए लगनी थी और क्या कोर्ट का फैसला था, आगे मैं आपको बताऊंगा। और पुलिस की तरफ से बताया गया कि भाई यहां प्रदर्शन की इजाजत नहीं और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस बलों की तैनाती देखिए आप तस्वीरों में। अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने किसी तरह से सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया, संभाल लिया। लेकिन शाही ईदगाह के सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के का विरोध आज की वजह से काम आज रुक गया। और अभी जो जानकारी हमको मिल रही है हमारे रिपोर्टर द्वारा, मूर्ति लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया है। अब आपको बताते हैं दरअसल पूरा विवाद क्या, बहुत ध्यान से समझेगा। दिल्ली के शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद क्या है। यह पार्क शाही ईदगाह के ठीक सामने पड़ता है, ठीक, ये जो पार्क है
ये शाही ईदगाह के बिल्कुल ठीक सामने पड़ता है और इस पार्क में लंबे वक्त से भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की सेना के तोपची गौस मोहम्मद खान और महान स्वतंत्रता सेनानी खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था। ठीक, मैं दोबारा से बताऊंगा प्रस्ताव क्या था। प्रस्ताव था रानी लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की सेना के तोपची गौस मोहम्मद खान और महान स्वतंत्रता सेनानी खुदा बख्श की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव था ईदगाह के पास पार्क में। लेकिन ईदगाह की वक्फ प्रबंध कमेटी मूर्ति लगाने के फैसले का विरोध करते हुए पार्क पर अपना दावा ठोक रही थी कि यह तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये पार्क वक्फ की प्रॉपर्टी है, या नमाज भी होती है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने, सुनिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ को झटका देते हुए 13,000 वर्ग मीटर के इस पार्क को डीडीए की संपत्ति घोषित कर दिया। ठीक, यह बता दिया गया कि साहब ये डीडीए की संपत्ति है, डीडीए का पार्क है। इस केस में मस्जिद समिति की ओर से कहा गया कि शाही ईदगाह के सामने पार्क का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए होता है। यहां झांसी की रानी की मूर्ति स्थापित करने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। यह मस्जिद कमेटी का पक्ष साफ आया कि भाई यहां नमाज पढ़ी जाती है। शाही ईदगाह के सामने जो पार्क है, वैसे उसको डीडीए को दे दिया गया कि तो डीडीए की मिल्कियत है, ये डीडीए की जमीन है। लेकिन फिर भी मस्जिद कमेटी का एक पक्ष था कि साहब ईदगाह के सामने पार्क का इस्तेमाल नमाज पढ़ने के लिए होता है, या झांसी की रानी की मूर्ति स्थापित करने से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, उनका पक्ष। हाई कोर्ट ने मस्जिद समिति को फटकार लगाते हुए कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्र की नायक है, इतिहास को सांप्रदायिकता के आधार पर मत बांटिए, कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट ने इसी मामले में मस्जिद कमेटी को बिना शर्त माफी मांगने, अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने याचिका वापस भी ले ली। लगा मामला सुलझ गया, मस्जिद कमेटी भी समझ गई, क्योंकि ये मामला रानी लक्ष्मीबाई से, और रानी लक्ष्मीबाई से किसकी कोई लड़ाई है ही नहीं साहब। इसके बावजूद कल शाही ईदगाह के सामने पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध शुरू हो गया। जबरदस्त तनाव की स्थिति हो गई। बताया गया कोई भड़काऊ मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर हुआ, लोग वहां पर पहुंचे, बवाल शुरू हो गया, नहीं लगने दी गई। आज न्यूज 18 इंडिया की टीम ने ना इस विवाद की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। हमारे रिपोर्टर वहां गए, हमने देखा। यहां हमें जो लोग मिले उनमें से कुछ का कहना था साहब कि उनका लक्ष्मीबाई से कोई विरोध नहीं, लेकिन वो पार्क को हथियाने की साजिश का विरोध करते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि जहां इबादत होती है वहां पर मूर्ति लगाना गलत है। सबका पक्ष सुनिए। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से कोई विरोध नहीं है, वो हमारे देश की रानी थी, हम उनके सपोर्ट में हैं। उन्होंने हमारे औरंगजेब बादशाह के साथ जंग लड़ी है, ठीक है ना। ये तो बेकार की बात कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमें मूर्ति का विरोध है। हमें मूर्ति का विरोध नहीं है, सिर्फ हमें विरोध इस चीज़ का है वक्फ बोर्ड का, कि ये जगह हमारी वक्फ की थी, ये MCD में क्यों जा रही है, DDA वाले अपने क्यों कर रहा है, सिर्फ इस चीज़ का विरोध है। और शाही ईदगाह के ये इर्द गिर्द जो पार्क है, ये भी शाही ईदगाह का हिस्सा है, जो कि वक्फ का एक हिस्सा है, लेकिन कि यहाँ पर DDA का, अब DDA आज अपना मालिकाना हक जमा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। नहीं, आपत्ति जो हो रही है, जब कोर्ट ने कह दिया कि ज़रूरी है इसी जगह लगाना है, तीन जगह और है वहाँ लगा लो, तो ज़रूरी है इसी जगह पर लगाना है, यहाँ इज्तिमा होता है, ईद बकरीद हर चीज त्यौहार आता है, ये पार्क सस्ते हैं। ठीक है, मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम जो कमेटी है उसका पक्ष है साहब कि यहाँ पर इबादत होती है तो नमाज की जगह है, तो यहाँ पर ये सब नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर जो लड़ाई हो रही है ना, अब उसमें पॉलिटिक्स की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच महाभारत क्यों छिड़ गई है साहब? दरअसल शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाई जानी है, आप समझिए एक और पेंच है इसमें, जो मूर्ति इस पार्क में, शाही ईदगाह के पार्क में जो रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति लगाई जानी है, वो नई मूर्ति नहीं है, बल्कि उस मूर्ति को झंडे वालान से यहां शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा ट्रैफिक को रेड लाइट फ्री करने के लिए किया जा रहा है। इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति शिफ्ट करके मोतिया खान के पास ईदगाह के सामने पार्क में स्थापित किया जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है साहब कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटाना
राष्ट्रभक्तों का अपमान है, इसको इस तरह से समझिए साहब, कि मूर्ति लगाने का पार्क में तो विरोध हो नहीं सकता क्योंकि वो तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से डीडीए की मिल्कियत उस जमीन पर साबित हुई है, ठीक, तो अब लगाने का विरोध नहीं हो सकता। तो फिर जहां से लाई जा रही है, तो आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि इसकी लक्ष्मी बाई की मूर्ति हटाना राष्ट्रभक्तों का अपमान है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि मूर्ति हटाने का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले लोक निर्माण विभाग का है और आम आदमी पार्टी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के मुद्दे पर वोट बैंक वाली राजनीति कर रही है। वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनकी एक मूर्ति लगी हुई आरएसएस के मुख्यालय के पास। आरएसएस को ये मंजूर नहीं कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति कैसे लगी। बीजेपी वालों को मंजूर नहीं कि देश के लिए मरने मिटने वाली शहीद रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा कैसे लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करके वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई जमीन ही नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। रोड प्रोजेक्ट करने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, जमीन का प्रपोजल डीडीए से मांगने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, डीडीए ने लैंड दी उसके बाद उसको लगाने का प्रोजेक्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार का, तो फिर इसमें बीजेपी या बाकी लोग कहाँ से आ गए। और संजय सिंह को एक वर्ग विशेष को, क्योंकि कट्टरपंथी संस्था जो एक वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करती है, वो कोर्ट गई और जब कोर्ट ने फटकार लगा दी तो संजय सिंह उनके प्रवक्ता के रूप में आके बोलने लग गए।